हिमाचल प्रदेश का इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ पर समय समय के ऊपर तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश हुई है, और लंबे समय के इतिहास में जब भी आपने देखा है कि तीसरे मोर्चे ने किसी भी प्रकार की यहाँ कोशिश की है तो वो तीसरा मोर्चा फेल हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर सीधा मुकाबला रहता है, और आम पार्टी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। कोशिश करने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते। कोई मंडी में आना चाहता है मंडी में आए, धर्मशाला में आना चाहता है धर्मशाला में आए, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि यहां पर आम आदमी पार्टी के पैर लगने वाले नहीं। ये दावा दावा इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि बूथ स्तर के ऊपर हमारी पार्टी काम करती है। हम लोगों ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक हम लोग काम करते हैं। एक मैकेनिज्म हमारा बनाया गया है, जहां जहां पे वो लोग आए हैं वहां पर जो दूसरे दल थे उन दलों से वहां की जनता जनार्दन इतनी ज्यादा दुखी थी, जिसके कारण से उन लोगों को थर्ड ऑप्शन की कि जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा, और अनऑर्गेनाइज वे के साथ बाकी पार्टियां वहां काम कर रही थी। कांग्रेस का पोलिंग बूथ के ऊपर कुछ नहीं होता, कांग्रेस की वहां सरकार थी और वो उड़ गई, लेकिन यहां पर इस प्रकार से ऐसा कुछ भी रहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सशक्त है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई किसी प्रकार का अल्टरनेट यहाँ जो प्रयोग है वो सिद्ध वो जो है वो ठीक पाया जाएगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के अंदर बीजेपी के नेता शामिल होंगे तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन ये केवल अटकलें ही हैं, इस प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं है। जिनका कुनवा जा रहा है वो आप देख रहे हैं। कांग्रेस के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, कांग्रेस की विचारधारा आज खतरे में है, इसलिए वहां के लोग वहां से खिसक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो। सर जहां पार्टियां ही दो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसी के बीच में मुकाबला होता है, तो इसलिए मैं कैसे कहूं कि किसी और तीसरी पार्टी के साथ हमारा मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मूल मंत्र ये उनको मिला है कि उन्होंने अपने आप को और अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं को आम आदमी पार्टी में जाने से कैसे रोकना है। सबसे बड़ा जो प्रश्न इस समय उनके ऊपर लगा है वो ये है। और जहां तक मिशन डिफीट की बात है, आप अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में जहां पे 400 से ज्यादा सीटें हैं और वहां पे 3 सीटें उनकी आ रही हैं, और बाकी जगह के ऊपर कांग्रेस की क्या हालत हुई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो कांग्रेस किस तरीके से जो है वो खड़ी हो पाएगी। कांग्रेस की हालत वो पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जो है वो बड़ी एक चिंतनीय स्थिति में से गुजर रही है। इसलिए उनकी लीडरशिप को जो लगता है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगता है कि पूरी कांग्रेस का विलय कहीं और ना हो जाए, इस डर के कारण से उन्होंने सारे लोगों को वहां बुलाया। लेकिन सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग अभी हुई है, जब तक सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग के रिजल्ट्स हमें जमीन पे नजर नहीं आएंगे तो हम अगली ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं करेंगे। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग एंड सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग का। अगले जिस समय भी मैं शिमला में बैठूंगा उन ग्राउंड ब्रेकिंग की रिव्यू होगा, और जो MOU साइन हमारे साथ हो रहे हैं उन MOU को हम सिंगल विंडो में लेके जाएंगे और लोगों को काम करने के लिए बोलेंगे, किसी ग्राउंड ब्रेकिंग का इंतजार नहीं करवाया जाएगा। सर